तो ऑल्टरनेटिंग करंट्स या एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट्स हमने डिस्कस किया कि जो हमने पिछला चैप्टर किया ईएमआई, उसमें एसी डायनमो या एसी जनरेटर किया था। तो हमने देखा कि कॉइल घूमती है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, उसमें ईएमएफ पैदा होती है, और जो ईएमएफ या करंट पैदा होता है वो इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ है, जिसकी जो वैल्यू है वो कुछ ऐसी आई थी, ई नॉट साइन ओमेगा टी या आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। एसी जनरेटर में हमने किया और इस तरीके का करंट जनरेट हुआ था, क्योंकि साइन वेव के साथ इसको मैच करना है। जो बैटरी का करंट होता है बैटरी से, वो ना चेंज नहीं होता, वो डीसी करंट होता है, डायरेक्ट करंट होता है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है। तो ट्रांसफार्मर का जो डिवाइस है वो डीसी पे काम करता है? नहीं करता। वो किस पे काम करता है? एसी पे ही काम करता है। ठीक है यहाँ तक? तो ऑल्टरनेटिंग करंट मान लो इस तरीके से हमारे घरों में आ रहा है, क्योंकि डैम से जो जनरेटर से जनरेट हो रहा है वो ऐसे ही बन के आ रहा है। अब क्या वो हमेशा साइन वेव ही होगा? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि जो अगर आपका एसी डायनमो अगर आपको याद हो, तो ये मैग्नेटिक फील्ड था अगर आपको याद हो, और ये कॉइल आर्मेचर पड़ा हुआ था, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन था आपका आर्मेचर या कॉइल। तो आपका जो डेरिवेशन थी उसके अंदर जो ईएमएफ आती थी, ई नॉट साइन ओमेगा टी आती थी। लेकिन अगर आप सोचो कि आर्मेचर ऐसा नहीं, आर्मेचर ऐसे परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है और स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, यहाँ की वजह यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको मालूम है कि ईएमएफ कैसे बनेगी? कॉस में बनेगी, साइन की जगह कॉस में इक्वेशन बनेगी। लेकिन अगर आपका आर्मेचर ना यहाँ से हो रहा है ना यहाँ से हो रहा है, कहीं और से हो रहा है, फिर पता नहीं क्या इक्वेशन बनेगी। तो हम इतनी इक्वेशन को तो स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमने स्टैंडर्ड क्या मान लिया कि जो डेरिवेशन हमने की थी आर्मेचर की, कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइंड है आपका जो कॉयल है, तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइंड है तो ऐसे केस में साइन वेव की तरह ईएमएफ जनरेट होती है, और ये फॉर्मूला था। लेकिन बताना ज़रूरी है कि कॉस की फॉर्म में भी क्रिएट हो सकती है। तो अब आप ये सोचेंगे कि मैं पेपर में क्या लूँ, साइन मान के चलूँ या कॉस मान के चलूँ? बाई डिफ़ॉल्ट हम साइन मान के चलते हैं ईएमएफ को, ई इज ई नॉट साइन ओमेगा टी। पर क्वेश्चन पूछने वाला आपको ये इक्वेशन पूछता नहीं है, वो देता है। वो आपको क्वेश्चन में बता देगा कि कॉस की इक्वेशन है या साइन की इक्वेशन है। जैसे वेव्स के अंदर हम करते थे, वेव की इक्वेशन साइन या कॉस में, क्वेश्चन पूछने वाला आपको देता था प्लस वन में, ऐसे इसके अंदर गिवन होता है। पर बाय डिफॉल्ट हम साइन लेके चलते हैं। इससे पहले कि मैं ये चैप्टर आगे स्टार्ट करूँ, दो तीन इंटीग्रेशंस हैं जो नॉन मेडिकल वालों को तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, इंटीग्रेशंस वो यूज टू हैं, मेडिकल वालों को फ़र्क पड़ता है, और हम अपनी कैलकुलेशन को फास्ट भी करना चाहते हैं। तो दो चीज़ें हम इसमें याद करेंगे फॉर्मूला। पहला, अगर मैं इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी की करूं, साइन थीटा की, साइन ओमेगा टी की, जीरो से कैपिटल टी तक, कैपिटल टी का मतलब एक कंप्लीट साइकिल कितनी देर में हो रहा है, कैपिटल टी। तो अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूं, तो साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी होती है, डिवाइडेड बाई डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी, जीरो से कैपिटल टी तक। यहां से ओमेगा कॉन्स्टेंट आ गया, डी टी बाई डी टी वन, एक बार स्मॉल टी की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे कैपिटल टी, और एक बार पुट करेंगे जीरो, और ओमेगा को यहां पे पुट करेंगे टू पाई बाय कैपिटल टी। कैपिटल टी से कैपिटल टी कैंसिल, कॉस जो जीरो होता है वो वन होता है, कॉस टू पाई भी वन होता है, वन में से वन गया जीरो। तो एक चीज़ बता दूं मैं, आज के बाद अगर साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन करनी पड़े जीरो से कैपिटल टी, तो ये नहीं करना, सीधा फॉर्मूला लिखना है साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन जीरो से कैपिटल टी, आंसर हमेशा क्या देगी? जीरो। ठीक, बताने के लिए बता दिया पर जरूरत नहीं है, सीधा आंसर जीरो बोलेंगे। उसी तरीके से अगर कॉस की इंटीग्रेशन करें जीरो से कैपिटल टी, तो आंसर क्या आएगा? जीरो। नोट कर लेना है ये, साइन और कॉस की इंटीग्रेशन जीरो से कैपिटल टी जीरो आंसर देगी। ठीक है यहाँ तक? मैथ्स वालों को तो दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, कंप्लीट साइकिल जीरो होता है। नेक्स्ट, मैथ्स में ये भी करते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो अगर साइन स्क्वायर ओमेगा टी की इंटीग्रेशन करनी पड़ जाए मेडिकल वालों को, तो मैथ्स में सिखाया जाता है कि कॉस टू थीटा का फॉर्मूला मैथ्स में होता है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसी कॉस टू ओमेगा टी का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को लिखेंगे वन माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला बन जाएगा वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी बाई टू। तो इसमें कोई फर्क नहीं। फिर हम क्या करते हैं, हाफ को बाहर निकालते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, तो जीरो से कैपिटल टी तक।
कॉस की इंटीग्रेशन साइन टू ओमेगा टी डिवाइडेड बाय डी बाय डी टी ऑफ ओमेगा टी, टू ओमेगा टी रादर, ठीक है, टू ओमेगा टी, टू ओमेगा बाहर आ गया, एक बार ओमेगा जी ओमेगा की जगह पुट करेंगे अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट, ओमेगा की जगह टू पाई बाई टी, साइन फोर पाई की वैल्यू होती है ज़ीरो, तो ये पूरी टर्म कट जाएगी और फाइनल आंसर आएगा टी बाई टू। आज के बाद आपने ये भी नहीं करना, नहीं करना, सीधा फॉर्मूला नोट करेंगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिख लें, साइन स्क्वायर ओमेगा टी जीरो से टी का आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या पुट करना है, टी बाई टू, चाहे मेडिकल चाहे नॉन मेडिकल, सीधा टी बाई टू। सिमिलरली सिमिलरली कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डी टी की इंटीग्रेशन भी क्या देगी आपको, टी बाई टू। बस ये आप लिख लें प्लीज, ये काम आएगा, ये चार फॉर्मूले मैं यूज करूंगा।